बिग बॉस में स्वामी ओम जी बन गए हैं राजा और वो जकूजी का मजा ले रहे हैं और उन्हें उनकी दासियां स्नान करा रही हैं। बाबा पूरे मजे ले रहे हैं। लगता है बिग बॉस से निकलते ही ये सन्यासी का चोला ना बदल ले। जहाँ स्वामी जी को अपनी हत्या का डर है, ये सेवक लोग राजा की हत्या करना चाहते हैं, इसलिए कुछ समझ जी अपनी टीम को बता रहे हैं उन पर 100 करोड़ बजट की फिल्म बन रही है। फिर क्या हुआ देखते हैं। नहीं, फिल्म तो मेरा बनने जा रहा है, मेरे लाइफ बायोग्राफी पे ओम जी फिल्म बना, अंग्रेजी में हिंदी में दोनों बन। यार क्या सही बंदे से मिले यार, यहाँ उसमें एक्टिंग कौन करेगा? अपना मैं कर रहा हूँ। अपनी एक्टिंग तो अपनी एक्टिंग तो गुरुजी परफेक्ट कर लेते हैं। अपनी एक्टिंग उसमें है ही नहीं, सारा रियलिटी है। आपके बचपन का रोल कोई करने वाला है? मैं क्या करूँ, बचपन का तो नहीं है, यंग का हो सकता है। यंग का करवा दीजिए। बजट कितना पिक्चर है? बजट देखेंगे, शुरू हो जाएगी। 100 करोड़ का मेरे को लोगे? बिग बॉस के घर के अंदर मालिक नौकर का खेल अगली होता जा रहा है। टास्क में लड़ाइयां हो रही हैं। गाली नहीं राहुल, जो उम्मीद नहीं है वो नहीं, नहीं नहीं गाली नहीं। कहीं बानी चेतावनी दे रही है तो कहीं रोहन ने नितिभा को मालिक होने की धौंस दी। आइए देखते हैं। सच में भूख लग रही है, मैं अब जान के नहीं कर रहा हूँ। आप पर्सनली कुछ भी बना सकते हैं रोहन, अभी हम मालिक हैं। यही नहीं, कॉमनर नवीन ने भी अपने भयानक तेवर स्वामी जी को दिखाए। स्वामी जी गलत हैं, आपको थोड़ा सा शह दे दिया है तो आप उछलने लगे हैं, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अच्छा, और आपको कल ही इस चीज का एहसास होगा और कल ही आप जो है हाथ जोड़ के माफी मांगिएगा। इसलिए प्लीज खाना खाने दीजिए, हमको गर्म मत कीजिए, हम बहुत खराब।